Assalamu alaikum. Welcome back to the channel from Canada. Umeed hai aap sab khair khairiyat se honge. Aaj main ja raha hoon Port Hope and Coburg. Ye dono cities dono aap ek dusre se 10 se 15 kilometer dur hain aur Toronto ke east side pe hain takriban 130 kilometer aur yahan pe pahunchne mein aapko 2 ghante ke kareeb lag jate hain aur traffic ho to usse bhi zyada lag jata hai. In cities ki khususiyat ye hai ki ye pure water pe hain aur small old town hain, simple life hai. Main chahta tha isko ja ke main explore karu, maine kabhi explore nahi kiya. Chalte hain Allah ka naam leke aur isko explore karte hain. Ye ji main 401 ke upar hu, highway ke upar aur buri tarah traffic jo hai phasi hui hai. Kafi der se main traffic mein jo hu stuck hu. कुछ देर में ये ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी. सार तो नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. ये जी अब हम पोर्ट होप में एंटर हो गए. बड़ा छोटा सा टाउन लग रहा है. अभी डाउनटाउन की तरफ मेन एरिया जो इनका है उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जी पोर्ट होप पहुँच गए हैं. इसका डाउन टाउन है छोटा सा. इस एरिया में काफ़ी मुझे प्यारा लग रहा है. इट्स नाइस स्मॉल टाउन. खूबसूरत सा पार्क है. दरमियान में से एक कनाल गुजर रही है. यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी की प्रतीक्स कार्स लेफ्ट प्रति पानी उनका शोरूम था. छोटी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं. Thank you.
ये डाउन स्ट्रीट है, चल इधर की वॉक लेते हैं। एक दूसरी स्ट्रीट है, स्पीड से पानी जा रहा है और वो चैंपियन जो है खड़ा होकर फिशिंग कर रहा है। बड़ी सिंपल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हर बंदा जो है वो अपनी धुन में खुश है, तो ये ब्यूटी है। और बड़ी वरीलेस लोग लग रहे हैं, और मैंने देखा है पुराने लोग बूढ़े लोग यहाँ पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। ये है जी पीछे पुराने ज़माने के थिएटर, इस तरीके से थिएटर हुआ करते थे और सामने ओपन जगह होती थी। इस तरीके से ये किसी भी पार्क में या ग्राउंड में ये इस तरह थिएटर बना देते थे, और ये अभी भी थिएटर काम करता है, इधर अभी भी शो होते हैं। ये 250 साल पुराना है डैम। सामन फिश नज़र आ रही है ये डैम के ऊपर, अमेजिंग। सामन फिश इतनी करीब से मैंने कभी नहीं देखी वाटर के अंदर। ये है जी डैम पोर्ट होप का, छोटा सा, जो कि 18 सेंचुरी में बना था, तो मैं कहूँगा तकरीबन इसको 200 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं। और ये वो है जिसके अंदर सामन फिश जो आती हैं, और अभी आपने देखी होगी सामन फिश कई जो इधर फिर रही हैं। लेकिन वो वाला एरिया जहाँ से फिश अंदर से आती हैं लेक एंटारियो से, वो इन्होंने 1973 में बनाया था, जो कि सामन फिश का पैसेज है। खूबसूरत, बड़ा सिंपल सी जगह है, और मैं इसके अंदर दोबारा ज़रूर आने की मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर आऊँगा। नाइस जगह है, छोटा सा टाउन है। तो ये था जी पोर्ट होप। नहीं जी, अब मैं कोबर्ग में एंटर हो गया हूँ, और सबसे पहले जो है हम जा रहे हैं हार्बर की तरफ और सिटी की तरफ, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। टाउन जो है ये मुझे बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा चहल पहल है, इंसान है इर्द गिर्द, कोई इतना डेड टाउन नहीं लग रहा।
जी अब हार्बर के पास आ गया हूँ और हार्बर ये करीब ही था उससे, डाउनटाउन से आगे था, तो मैं मुझे समझ नहीं आई कि किस तरीके से ये मुझे इतनी दूर से लेके आया है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क करता हूँ और चलते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। ये है पेलिकन, इनकी बड़ी लंबी चोंच होती है। ब्यूटीफुल हार्बर, सारी बोट्स। क्या व्यू है जनाब, जबरदस्त। कमाल हो, कमाल है। सुकून माहौल है, जिसको कहते हैं ना सुकून आ गया। ये हार्बर है, ये बर्थ है इधर आना। यार इधर बैठ के बंदे ने ना फूड ले आते, इधर बैठ के खाते तो मज़ा ही कुछ और था। मुझे क्या इल्म था कि ये कुछ ना कुछ ज़बरदस्त खूबसूरत होगा। ये बोट है, रेडी कर रहे हैं जाने के लिए। क्या बात है यार, मज़ा आ गया, सुकून, पुरसुकून। ये लाइट हाउस है जो शिप्स को डायरेक्शन देती है। क्या जबरदस्त जगह है, क्या जबरदस्त जगह है। जी कोबर्ग का हार्बर, क्या ज़बरदस्त आपने व्यूज़ देखे कुछ, क्या कमाल जगह। मैं कहता हूँ वर्थ इधर आना है, इतना ज़बरदस्त मौसम है वो, जिसे कहते हैं ना सुकून आ जाता है तबीयत में। इधर आके मुझे रियली सुकून फील हो रहा है, सनशाइन है, हवा चल रही है और ज़बरदस्त माहौल है। मेरे ख्याल में इधर आना वर्थ था। ये सारे पैसे पूरे हो जाते हैं आपकी और आपने जो मेहनत की होती है, ड्राइव करके आते हैं, सारी एफर्ट करते हैं इस तरह की जगह पे आने को। और कोबोर्ग आना मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, कि मैं बहुत बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सिर्फ आप फील कर सकते हैं। होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे हैं होंगे। ये जी डाउन टाउन कोबोर्ग, हमने रुके, मैंने रुके यहाँ से, एक अफगानी रेस्टोरेंट था हलाल। ये खूबी है कनाडा की, आपको हर जगह हलाल फूड मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने इससे कबाब और नान विद सैलड, बीफ कबाब, सीख कबाब
बहुत टेस्टी थे, आई रियली एंजॉयड। ये था जी बोट होप एंड कोबर्ग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपको पसंद आए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।